सबको कठिनाई हो रही है, यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े हैं, इनके साथ खड़े होने। लेकिन राहुल जी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ खड़े? नहीं नहीं नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4,000 रुपए बदलने आया हूँ, जब मैं यहाँ पहुंचा लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ लोगों को अंदर कर दिया है, मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या चाहते हैं? ओवरऑल आप ऐसे कहिए, आपको ये बात समझ नहीं आई, ये आपको ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है, कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। राहुल गांधी देयर सेइंग माय पीपल आर फेसिंग हार्डशिप्स एंड इनकन्वीनियंस एंड आई एम हियर टू सपोर्ट देम, टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद देम, आई एम हियर टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद द आम आदमी हु इज फेसिंग अ ह्यूज डिफिकल्टी एंड इनकन्वीनियंस एट दिस आवर। दैट वाज राहुल गांधी टॉकिंग टू द मीडिया ड्यूरिंग अ विजिट टू एन ATM here in the capital a short while ago, saying that he was there to withdraw some cash and to express solidarity with the people of India who are currently facing a difficult situation. Of course, Rahul Gandhi, they're being very critical of the government's move to take 500 and 1,000 rupee notes out of circulation, saying that this is going to do nothing to fight the scourge of black money. All that this is going to do is to inconvenience people, something we're already witnessing.